हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है अपीयरेंट वेट ऑफ अ मैन इन द एलिवेटर और द लिफ्ट। जब हम एलिवेटर में होते हैं या लिफ्ट में होते हैं तब हमारा अपीयरेंट वेट, आपने देखा होगा जब लिफ्ट एकदम से नीचे जाती है तो कैसा फील होता है और एकदम से ऐसे ऊपर आ रही है या नीचे की ओर जा रही है, ठीक है, तब हमारा जो वेट है वो कैसा होगा उसको हम समझने वाले हैं। क्लियर है? आप देखोगे ना जैसे गाड़ी किसी रोड से ऊपर से जब नीचे की ओर आती है एकदम से काफी स्पीड के साथ तो एकदम से कैसा फील होता है, बिल्कुल हल्का सा महसूस होता है ना, तो वो सब हम आज केस यहां पर समझने वाले हैं। तो इससे समझने स्टार्ट करने से पहले बेटा आप एक बात को माइंड में सेट कर लीजिए। देखिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर, ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे की ओर एक फोर्स लगाता है वो फोर्स कितना होता है, जितना इसका वेट, वेट कितना एमजी। बात समझ में आ गई है? देखिए मेज के ऊपर एक बुक रखी है तो वो बुक नीचे की ओर फोर्स लगा रही है, अगर बुक नीचे फोर्स लगा रही है तो बुक नीचे गिर जानी चाहिए, लेकिन नहीं गिरती ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टेबल है, ये जो मेज है, ये भी तो बुक के ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रही है, उस फोर्स का नाम क्या है, आर, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। इस आर को क्या बोलते हैं बेटा हम, नॉर्मल रिएक्शन। ये बात याद रखनी है बेटा आपने। देखिए जब हमने एक बुक को टेबल पर रखा तो बुक ने टेबल पर नीचे की ओर फोर्स लगाया, वो कितना फोर्स है, जितना उसका वेट है, दैट इज एमजी। अब क्या होता है कि जो बुक के ऊपर टेबल भी फोर्स लगाते, जितना बुक ने लगाया नीचे उतना ही टेबल बुक पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी और उस फोर्स को हम बोलते हैं आर, यानी नॉर्मल रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये भी एक रिएक्शन है लेकिन इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना, बिल्कुल अपोजिट। क्लियर है बेटा? तो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो अब देखिए इसको मैं रब कर देता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक कोई वेइंग मशीन है, क्लियर, और इस वेइंग मशीन के ऊपर हम यहां खड़े हैं तो क्या होगा, वेइंग मशीन कितनी रीडिंग रीड करेगी, वेइंग मशीन कितनी रीडिंग रीड करेगी। आप लोग सोचते होंगे कि जो हमारा वेट है जनरली एमजी, ये रीडिंग रीड करती होगी, क्लियर है ना, हमारा जितना वेट होता है जो मशीन है हमें उतना ही तो बताती है, हम मशीन के ऊपर खड़े हैं तो एमजी, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल ये सही है कि जो रीडिंग आएगी वो एमजी के इक्वल ही आएगी यहां पर, लेकिन वो जो मशीन है एक्चुअली में क्या रीड कर रही है वो आपको बताता हूं। देखिए यहां क्या लग रहा है, एमजी वेट है हमारा जो कि नीचे की ओर लग रहा है, तो मशीन ने क्या किया, हमारे बिल्कुल ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया आर, क्लियर। जितना हम मशीन पर फोर्स, जितना मशीन ने फोर्स फील किया, हमने कितना लगाया, हमने कितना फोर्स लगाया एमजी, यहां पर हमारा वेट है जो कि, ठीक है, लेकिन मशीन कितना फील कर रही है वो एक अलग मैटर है, और जितना मशीन फील करेगी उतना ही वो ऊपर की ओर हमारे ऊपर भी फोर्स लगाएगी, कितना फोर्स लगाएगी आर, ठीक है, और इसी आर को मशीन रीड करती है, जितना फोर्स मशीन हमारे ऊपर लगा रही है ना, जितना वो महसूस करेगी उतना ही तो ऊपर लगाएगी हमारे ऊपर। बात समझ में आ गई? तो मशीन ने हमारे ऊपर फोर्स लगाया आर, हालांकि यहां पर जितना आर है उतना ही एमजी है इस केस में, पर्टिकुलर केस में आर इक्वल टू एमजी, लेकिन इसको थोड़ा सा अब हम स्पेशल केस इसके लेकर के चलते हैं। देखिए इसको भूल जाइए, मान लीजिए एक आदमी है जो कि लिफ्ट के अंदर खड़ा है, ये आपकी लिफ्ट है, क्लियर है, लिफ्ट में वेइंग मशीन रखी हुई है, मशीन रखी है, उस मशीन के ऊपर खड़ा है और वो अपना वेट नोट कर रहा है, बिल्कुल जब सिंपली खड़ा था तो उसका एक्चुअल वेट कितना था एमजी, आदमी का एक्चुअल वेट कितना है एमजी जो कि नीचे की ओर है, देखो नीचे की ओर एक वेट लग रहा है उसका, वो कितना है बेटा एम जी, क्लियर। अब मशीन ने कुछ फोर्स महसूस किया नीचे की ओर तो उसकी वजह से मशीन क्या करेगी, जितना वो महसूस करेगी उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगाएगी। बात समझ में आई है?
अब तो अब देखिए जरा यहां पर ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जितना मशीन ने फील किया नीचे की ओर फोर्स उतना ही मशीन हमारे पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो और मशीन उसी फोर्स को रीड करती है जितना वो महसूस करती है या जितना वो हमारे ऊपर लगाती है। तो आर क्या है? इट इज अ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द मशीन ऑन द मैन। आदमी के ऊपर मशीन ने जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया वो कितना है? आर। और मशीन इसी आर को रीड करती है, यानी कि हम जिस अपीयरेंट वेट की बात कर रहे हैं, अपीयरेंट जो महसूस होगा वहां पर हमें महसूस कितना होगा, जो मशीन हमारे ऊपर लगा रही है ये आर, हमें उतना ही महसूस तो होगा। तो आर यानी क्या है? वही वेट है जो कि मशीन हमें बताने वाली है, ठीक है। एक्चुअल वेट तो एमजी है, लेकिन मशीन हमें क्या बताएगी? जितना आर होगा उतना ही वेट मशीन हमें बताएगी, और हमें इसी को स्टडी करना है। तो फर्स्ट इसको हम तीन चार केस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है व्हेन द लिफ्ट मूव अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन ए। जब हमारी लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रही है एक्सेलरेशन ए के साथ, मशीन कहां जा रही है? ऊपर। तो जरा समझिए यहां पर नेट फोर्स एम ए ऊपर की ओर है ना, ये फोर्स किसके बराबर है? देखिए किस फोर्स लगा होगा, फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन आई कितनी? ए। तो एम ए, क्लियर। लिफ्ट ऊपर जा रही है इतनी एक्सेलरेशन के साथ, लेकिन ये किसके बराबर है भाई? यहां पर दो तरह के तो फोर्स है। ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है? आर और एम जी में से आर फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, आर। बात समझ में आई है? और नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है? एम जी। तो उस आर में से अपवर्ड फोर्स में से डाउनवर्ड फोर्स मैंने माइनस कर दिया तो नेट फोर्स आ गया। बात समझ में आई है ना? तो यहां से बेटा एम ए माइनस एम जी दैट इज इक्वल्स टू आर, ये यानी कि बेटा माइनस का एम जी, सॉरी मैं इस तरफ ले आया। बात समझ में आई है? तो ये आ गई बेटा अपने पास नॉर्मल रिएक्शन। आर कितनी है? एम ए प्लस एम जी। एक्चुअल वेट कितना था? mg। अब कितना दिखा रहा है? ma और जुड़ गया इसके अंदर। तो यानी कि जब लिफ्ट कुछ एक्सेलरेशन के साथ ऊपर मूव करती है तो हमारा वेट बढ़ जाता है, वेट हमारा बढ़ जाता है। कितना? mg में ma और जोड़ दो। जब भी लिफ्ट ऊपर आ रही है कुछ एक्सेलरेशन a के साथ तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, उस टाइम हमें बढ़ा हुआ नजर आएगा। कितना बढ़ा हुआ नजर आएगा? mg प्लस ma। बात समझ में आ गई है? तो ये अपना फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ। तो अब है बेटा हमारे पास सेकंड केस। सेकंड केस क्या है? व्हेन लिफ्ट मूव डाउन विद द एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन ए के साथ लिफ्ट अब नीचे की ओर जा रही है। अब टोटल फोर्स किस डायरेक्शन में है? नीचे की ओर। तो एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या नीचे की ओर है। अब नीचे की ओर यानी कि जो नीचे वाला फोर्स में से ऊपर वाला माइनस करना है। इस बार हमने नीचे फोर्स कौन सा लग रहा है? एम जी, दैट इज एम जी माइनस नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है यानी कि आर। तो बेटा यहां पर आप देखिए हमें R की वैल्यू निकालनी है। R को इस तरफ लेके आए, ठीक है, एम जी माइनस ये एम ए उस तरफ चला गया एम ए। तो भाई ये आ गया अपने पास नॉर्मल रिएक्शन। अब मशीन इसी को तो रीड कर रही है R को। मशीन किसको रीड कर रही है बेटा? इस R को रीड कर रही है, क्लियर है ना। अब यानी कि हमारा अपीयरेंट वेट कितना हो गया? mg माइनस ma, कुछ घट गया वेट हमारा। क्या हो गया? mg माइनस ma घट गया। यही तो होता है जब हम एक रोड से ऊपर से नीचे की ओर आ रहे होते हैं, एकदम से गाड़ी नीचे की ओर जा रही है, हमें एकदम से लाइट सा महसूस होता है ना, या लिफ्ट में से ऊपर से नीचे जा रहे हैं एकदम से हम, तो क्या होगा? बिल्कुल हल्का सा महसूस होता है हमें कुछ। तो इसी वजह से तो है mg में से ma माइनस हो गया। हमारा एक्चुअल वेट तो mg था, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है। बात समझ में आई है बेटा?
आई थिंक ये अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा, क्लियर। तो अब हमारी नॉर्मल रिएक्शन ये थी। तो बेटा नेक्स्ट केस है अपना व्हेन द लिफ्ट हैव द जीरो एक्सेलरेशन, मतलब मूव तो कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। व्हेन द लिफ्ट मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और या फिर जीरो वेलोसिटी के साथ भी बोल सकते हैं, मतलब मूव ही ना करे या तो, और अगर मूव करे तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ करे, तो वो केस कौन सा होता है बेटा, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। क्योंकि अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो गई या वेलोसिटी जीरो हो गई तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन कितनी जीरो। तो अब बेटा देखिए आप आर की वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी एम जी। ये तो सिंपल केस आ गया ना, एक मशीन रखी आप उसके ऊपर खड़े हो, बस ऊपर नीचे तो जा ही नहीं रहे हो, अगर जा रहे हो तो एक्सेलरेशन जीरो है, तब आर की वैल्यू एम जी के बराबर हो जाएगी। देखिए ए को जीरो पुट कर दो, बस एम जी बच जाएगा ना, तो आर इज इक्वल्स टू एम जी। क्लियर है बेटा यहां तक, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। पहले आप जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटे अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखिए बेटा थ्री केस तो हम कर चुके हैं, फोर्थ केस और समझ लेते हैं। फोर्थ कौन सा आ गया भाई, एक बार ऊपर जा रही थी, एक बार नीचे आ रही थी, एक बार एक्सेलरेशन जीरो है, क्लियर। थर्ड केस है व्हेन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू जी एंड लिफ्ट मूव डाउन, लिफ्ट डाउन जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, लेकिन कितनी एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन जी के साथ, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर है। तो अब क्या होगा, देखिए डाउन वाला केस तो ये था ना, तो आर इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, यानी कि आर इक्वल्स टू एम जी माइनस ए की वैल्यू जी के इक्वल है, mg that is zero, क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो यानी कि जब लिफ्ट एक्सेलरेशन g के इक्वल होती है, जब एक्सेलरेशन लिफ्ट की g के इक्वल है और वो नीचे की ओर मूव कर रही है, तब क्या होगा, r इक्वल टू mg माइनस mg यानी जीरो, मतलब कि हमारे ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा और मशीन उस टाइम पे जीरो रीडिंग रीड करेगी। मशीन क्या बताएगी, हमारा वेट कितना जीरो। अगर कोई मोटा तगड़ा बंदा है ना, कोई उसे कहे कि वेट ज्यादा हो गया कम कर लो, तो इस ये केस करके दिखा दो उसको, पर घूम वहां पर मशीन आपको कितनी रीडिंग शो करेगी, जीरो। कितनी जीरो, इसको बोलते हैं बेटा वेटलेसनेस, फ्री फॉल बोल देते हैं इसको, सॉरी क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। आप मतलब फ्रीली नीचे गिर रहे हो, ये वही केस हो जाएगा, माने जब छत से छलांग लगा देते हो, तब आपका वे वजन आपको जीरो महसूस होगा, बिल्कुल लाइट फील करोगे आप। तो ये वही केस है जब जितने स्पीड से आपको नीचे गिरना चाहिए था उतनी ही स्पीड से, अब उतनी ही एक्सेलरेशन के साथ, सॉरी अब लिफ्ट भी नीचे जा रही है। बात समझ में आ गई, दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो हमारा अपीयरेंट वेट कितना हो गया, जीरो। दिस इज द केस ऑफ फ्री फॉल, क्लियर। अब एक और समझ लेते हैं, चलिए जाते जाते, ठीक है लास्ट केस इसका। अगर ये जो एक्सेलरेशन है ग्रेटर देन जी हो, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ अगर लिफ्ट नीचे जाने लग जाए एंड लिफ्ट मूव डाउन,
ये केस टेबल आपको समझा रहा हूं, लिख आप अपने तरीके से लेना इसको, क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, पहले यहां तक आपने नोट कर लिया होगा बेटा, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूं। आप नीचे की ओर जा रहे हो, ये समझिए केस कुछ, यहां पर हम खड़े हैं, क्लियर। हम नीचे जा रहे हैं एक्सेलरेशन जी के साथ, हम जा रहे हैं, ठीक है, हमारा वेट तो यही है ना एम जी, लेकिन अब जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेशन ए के साथ जा रही है, मतलब कि लिफ्ट ज्यादा फास्टली नीचे मूव कर रही है और हम उतना ज्यादा फास्टली नीचे मूव नहीं कर, बेसक से हम लिफ्ट के ऊपर ही हैं, लेकिन हम अपने आप इस एक्सेलरेशन से ज्यादा से नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि यही तो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमें नीचे लेके जाएगी, हमारी बॉडी को नीचे खींच रही है और लिफ्ट को नीचे जो खींच रही है एक्सेलरेशन वो क्या है ए। तो अब देखिए बेटा एक्सेलरेशन जो है जी से ग्रेटर है और हम नीचे की ओर जा रहे हैं, लिफ्ट जो है हमारी कहां जा रही है डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो यानी कि हमें जितना जल्दी नहीं है नीचे जाने की, लिफ्ट को उससे ज्यादा जल्दी हो रही है नीचे जाने की, लिफ्ट हमसे ज्यादा तेजी से नीचे जा रही है, तो क्या होगा कुछ टाइम बाद लिफ्ट का हमारे से कॉन्टेक्ट हट जाएगा और हम कुछ मान लीजिए यहां पर होंगे, मान लीजिए हम तो यहां पर हैं लेकिन लिफ्ट थोड़ा नीचे जा चुकी है, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा है, जहां हम भी नीचे रहे हैं लिफ्ट भी नीचे जा रही है, लेकिन लिफ्ट थोड़ी ज्यादा जल्दी से नीचे जा रही है, तो ये सिचुएशन आएगी कुछ टाइम बाद हम हवा में तैर रहे होंगे और उसके कुछ देर बाद क्या होगा लिफ्ट और ज्यादा नीचे जब तक पहुंच जाएगी तो एक टाइम के बाद ये लिफ्ट हमारे सर से आकर के टकरा जाएगी, हम बिल्कुल यहां ऊपर पहुंच जाएंगे, क्लियर है ना, ये बड़ा ही खतरनाक केस हो गया। तो यानी कि जब भी कोई लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है उसके अंदर एक्सेलरेशन हमें जी से ज्यादा नहीं देनी चाहिए कभी भी, अगर लिफ्ट को ऊपर से नीचे मूव करवाना है उसमें एक्सेलरेशन कभी भी एक्सेल जी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर है ना, एक्सीडेंट हो गया, परमानेंट हो गया, तो ये हमारे सिर से टकरा सकती है, तो इसीलिए जब भी लिफ्ट आएगी वो इस एक्सेलरेशन से कम एक्सेलरेशन के साथ ही नीचे जाएगी, क्लियर है बेटा, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ठीक है बेटा, यहां तक आपने नोट कर लिया है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।